Assalamu alaikum. Last time, you know, we were doing exercise 1.2 and we had done 10 questions, around 11 questions. We can have a quick revision. For instance, it is question number 3. And you know, distributive law. Bahar likha hai na, A comma B comes to a complex number. Ye andar dono se multiply ho raha hai. To ye yaha likha hai, distributive law. यहाँ पे वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से करना है. मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूँ, इन ऑल द क्वेश्चंस ए कॉमा बी का मतलब है ए प्लस बी आया हुआ था, बस आपने इनको ऐसे रिप्लेस कर देना है. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. और आराम से जैसे आम ब्रैकेट खोलते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट खोलनी है, सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर डी आई से जब मल्टीप्लाई करना है डी आई ओटा से, तो ये बन जाएगा डी ई आई ओटा और ये डी एफ आई ओटा स्क्वायर. यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी एफ आई ओटा स्क्वायर. यहाँ पे तो देखिए कैसा मल्टीप्लाई किया है. सॉरी इट इज नॉट बी मल्टीप्लाइड, ये प्लस हो रहा है. देखो सी ब्रैकेट सिर्फ खोल दिए, कुछ भी नहीं किया. यहाँ पे ये सिर्फ ब्रैकेट खोल के मैंने लिख दिए, नथिंग इज दैट अबाउट दैट. फिर ए से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर बी आयोटा से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया है. जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है डायरेक्ट आपके माइनस पर लगा रहे हैं. ये बेटा ख्याल रखना है, प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इट्स नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड. फिर क्या करना है, बगैर आयोटा वाली टर्म्स को शुरू में लिख लेना है, अगर माइनस है तो माइनस करके लिख लेना है, और इनमें सब में आयोटा बाद में कॉमन निकाल लेना. इट्स सो सिंपल. सिमिलरली यहाँ पे दो टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो रही, तो इनको आपने ब्रैकेट्स को खोले, जैसे मैं भी बता रहा था, जब बी आयोटा डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट माइनस वन लिखता है. दिस विल फैसिलिटेट यू टू मच, बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है. और ये यहाँ पे भी बिल्कुल दोनों वन एंड टू बिकम द सेम. इट इज़ सो सिंपल. ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, यहाँ पे दोबारा हुए हुए. इनको आप देखिए, गौर कीजिए, जो डिफ़िकल्ट हो उससे डिस्कस कीजिए. हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है ए प्लस बी आयोटा की तरह की होती है, यानी आयोटा डजंट कम इन द डिनोमिनेटर. ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम किया था, 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 7 आयोटा. तो सो इन क्वेश्चन नंबर 11, ये नंबर बेटा 2, 6 इज डिवाइडेड बाई 3, 7 ऑर्डर्ड पेयर के शक्ल में लिखा हुआ है. सिर्फ ये बात आपने याद जहन में रखनी है कि ये नंबर असल में 2 + 6 आयोटा है डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा. आयोटा डजंट कम इन द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से 3 + 7 आयोटा, जहाँ जहाँ आयोटा आ रहा है उसका साइन चेंज कर देते, इसका कॉन्जुगेट आ जाता है. तो 3 - 7 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर बाकायदा 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 आयोटा से जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा हो माइनस 1 लगा देते हैं. यहाँ पर फॉर्मूला लगाते 3 ² a² - b² यानी 7² आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1. सो दैट टू कीप इन माइंड दैट ऑलवेज पुट, लिख दो आगे वेयर आयोटा स्क्वायर, बहुत आसानी हो जाती है. तो ये डिवाइडेड बाई आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, स्प्लिट अप कर सकते हैं दोनों के नीचे 58 लिख के, ये बन जाता है ए और ये बन जाता है बी. 2 से कैंसिल भी हो रहा है. ये थोड़ा सा आयोटा का जो कोफिशियंट है ये बी होता है और दूसरा वाला ए होता है, तो ए कॉमा बी ये इसका आंसर है. सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन. हर क्वेश्चन वो क्वेश्चन करने के लिए जिसमें किसी रिजल्ट को प्रूव करना हो, तो व्हाट वी डू दैट, वी सपोज दैट जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. देखिए इसमें क्या है, prove that sum as well as product of any two conjugate, एक complex number हो दूसरा उसका conjugate हो, sum हो या product हो, हमेशा जवाब जो है answer जो है वो real number आता है. अगर हम suppose कर लें कि z plus iota y complex number है तो इसका conjugate ये होगा, इसको आपने एक दफ़ा plus करना है एक दफ़ा multiply करना है. इसकी definition में ज़रूर ये लिखा होना चाहिए कि x plus iota y में x और y दोनों real numbers हैं. आयोटा से जब y मल्टीप्लाई होता है इसको इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं, मगर इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y होता है आयोटा के बगैर. खैर जब इनको प्लस करते हैं तो ये आयोटा y से आयोटा y, 2xx इज अ रियल नंबर, सो 2x इज ऑल्सो अ रियल नंबर. जब मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट बेटा अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, z a टू z कॉन्जुगेट
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर असल में जेड मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ये आपने जरूर जहन में रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है, इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा, सो दिस इज अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, और ये जो रिजल्ट यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये ए बी, ये बेटा इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर हम नोट करें कि ये जेड है तो ये पूरे का पूरा नंबर असल में, ये पूरा नंबर जेड का पहले कॉन्जुगेट दिया हुआ है उसको जेड के, ये देखो जेड का जब हम ऊपर मॉड, ये जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जेड मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ये जेड मॉडुलस है ये जो लिखा हुआ है, जेड मॉडुलस का स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा और शक्ल में भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस रिजल्ट, नो वेयर इट इज रिटन बट वी कैन राइट इट डाउन हेयर कि किसी नंबर का जो इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव मल्टी इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेते हैं, ये आंसर है बेटा इसका, बहुत आसान है, दिस आइडिया इज वेरी गुड। ये ऊपर लिख देते हैं जेड कॉन्जुगेट, नीचे लिख देते हैं जेड मॉडुलस का स्क्वायर, ऊपर लिख देते हैं जेड का कॉन्जुगेट और नीचे लिख देते हैं जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर, यू राइट इट डाउन। होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं बेटा, होल स्क्वायर लिखने के लिए या ये पहले इसको डाल लेते हैं होल स्क्वायर वाले को, फिर इसके अंदर मॉडुलस डाल लेते हैं, इसके अंदर मॉडुलस डाल लेते हैं, ये देखिए ये सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे सामने सामने नजर आ रही है, ये बन गया जेड मॉडुलस, ये बन गया जेड मॉडुलस, यहाँ जेड डाल देते हैं, ये बन गया जेड के मॉडुलस का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला तो एवरीवन कैन कीप इन माइंड, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है अगर ये ए कॉमा बी हो यानी ए प्लस बी आयोटा हो, इसका कॉन्जुगेट होगा ए प्लस बी माइनस बनेगा ए माइनस बी आयोटा, और दोनों को जेड का मॉडुलस ये होता है नीचे जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, बस ये आंसर है। ये देखो ये आंसर आ गया, ये कितना आसान है, इट इज सो सिंपल एंड कैन बी केप्ट इन माइंड ऑल द टाइम। इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आना शुरू हो जाए। ये बेटा मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है क्योंकि ये रिजल्ट इज नो वेयर इज रिटन बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और अगर जेड ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, या एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, है ना। अगर a प्लस आयोटा बी है तो क्या होगा, इज इक्वल टू बोलिए क्या होगा, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ आपको एक दफा, खैर कोई बात नहीं, राइट इट डाउन इन अ मिनट, इज इक्वल टू ऊपर लिख देते a प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय जेड का मॉडुलस क्या बताइए, ए प्लस आयोटा बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंट्रोल बी, और बीच पे चूंकि इसका कॉन्जुगेट है माइनस लगा देते। अब जब इसके दो टुकड़े बनाएंगे ए ओवर ए ए ओवर ए माइनस बी, ये देखो ये प्रूव हो गया बेटा, हाउ नाइस इट इज, इसको कंट्रोल एस कर देते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड कैन बी केप्ट। ये वाली बात तो आप लोग याद रख ही सकते हैं कि किसी जेड अगर एक नंबर है उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वैसे भी बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इस जवाब को z से मल्टीप्लाई करें तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट z मॉडुलस का स्क्वायर होता है वन आ जाता है, एवरीथिंग बिकम सो सिंपल, सो वेयर रिटर्न योर बुक बट द रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, इट हैज कम
हमेशा हर क्वेश्चन हमने बेटा ऐसे किया है, तो सबसे ज़रूरी बात है ये ए है वायरस फोर और बी जो है ये सेवन है। ये देखो ए इस वायरस फोर बी सेवन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे वायरस फोर सेवन लिखा है ऊपर। सबसे पहला काम क्या करते हैं इसका कॉन्जुगेट दे देते हैं, माइनस फोर माइनस सेवन बन जाता है, ये देखो माइनस फोर माइनस सेवन, और दोनों को जेड मॉडुलस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए बेटा ये कितना ज़्यादा आसान वे हमने अडॉप्ट किया है, हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रहे हैं, ए ये निकाल लिए फिर ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर जाहिर है ये फॉर्मूला ना भी लिखे डायरेक्ट भी लिखते इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं ये प्लस हो जाता है दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आप ऐसे ही करते जैसे ये किए। डॉक्टर लास्ट ये जो क्वेश्चन है दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर डूइंग, ये बेटा इस पर आपने लिख लेना है इन्फिनिटी इम्पॉर्टेंट 14। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए। अब अगर यहाँ बीच पे माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे, मगर यहाँ तो प्लस है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा प्लस वन, वन तो हर एक के साथ लिख सकते हैं जैसे इस फोर से पहले वन ये मैंने लिखा है वन मल्टीप्लाइड बाई फोर, और वन की जगह क्या लिख रहे हैं माइनस आयोटा स्क्वायर, तो बीच पे माइनस आ जाएगा, पहली टर्म ए का होल स्क्वायर दूसरी टर्म टू बी आयोटा का होल स्क्वायर, एक दफा प्लस एक माइनस। ये लास्ट पार्ट में थ्री को पहले कॉमन निकाल ले रहे हैं, कॉमन निकालने के बाद यहाँ वन लिख ले रहे हैं, वन की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख ले रहे हैं, अरेंज करके लिख ले रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दीज आर ऑल द। ये बेटा जब अभी अपने डिविजन वाला क्वेश्चन किया था इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट, इसमें उन्होंने लिखा है सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या इसको सिंप्लीफाइड ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखे। हर क्वेश्चन में जैसे डिनोमिनेटर में फोर प्लस फाइव आयोटा आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट फोर माइनस फाइव आयोटा होता है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आप ब्रैकेट खोलिए नीचे फॉर्मूला लगाया है डी सी आर है 16 प्लस 25 यानी 41, 41 से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए, बेशक यहाँ तक जोड़ दीजिए, बेशक ये वाला पार्ट इज द रियल पार्ट, दिस पार्ट विदाउट आयोटा विद माइनस साइड इज द इमेजिनरी पार्ट, डू रिमेंबर दैट। पहले इसका होल स्क्वायर खोलना है, अरेंज करके लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट माइनस पर लगा रहे हैं, टू इंटू टू फोर इज अ 12 आयोटा, सो ओपनिंग द स्क्वायर लाइक दिस, और ये जब टर्म आ जाती है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं वन प्लस आयोटा की वजह से वन माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी डू एज बिफोर द लास्ट पार्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.3। कोई बात समझ नहीं आई तो कोई बच्चा नहीं पूछता, इट्स नॉट गुड एनफ, प्लीज डू आस्क मी अबाउट एनी ऑफ द कंफ्यूजन, आई ऑलवेज वेलकम द स्टूडेंट्स टू आस्क मी द क्वेश्चंस और दे टेल मी दिस इज डिफिकल्ट, टेल अस समथिंग इजियर और समथिंग लाइक दैट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।